एक तरफ देश में बढ़ती जनसंख्या समस्याएं खड़ी कर रही है, दूसरी ओर धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। बाबा की सलाह में एक और बात है कि दो बच्चे आप रख लो, दो हमें दे दो। बाबा के इस बयान पर घमासान मच गया है। रिपोर्ट दिखाते हैं। देश में बढ़ती जनसंख्या कई बड़ी समस्याएं खड़ी कर रही है। जनसंख्या नियंत्रण पर केंद्रीय मंत्री से लेकर सामाजिक संगठन के लोग लगातार बयान देते रहते हैं। केंद्र सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की बात कर रही है और इन सब के बीच धर्मगुरु खुले मंच से ज्यादा बच्चे पैदा करने की अपील कर रहे हैं। एक एक आदमी के कितने पुत्र होते थे भागवत में लिखा है 60,000 और अब एक ज्यादा से ज्यादा दो, परंतु आज इस बात की चिंतन और चिंता करने की आवश्यकता है। इस भारतवर्ष को अगर हिंदुस्तान बनाना है तो हमारी माताओं को एक नहीं कम से कम एक परिवार में चार चार पुत्र होना चाहिए। ये है पंचायती अखाड़ा निरंजनी के महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज, जिन्होंने मध्य प्रदेश के उज्जैन में ये प्रवचन दिया और हंगामा पूरे देश में। बाबा ने कहा कि अगर भारत को हिंदुस्तान बनाना है तो कम से कम चार चार बेटे होने चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि दो बच्चे आप रख लो, दो हमें दे दो। इतना ही नहीं, उन्होंने ये भी कहा कि वो दिन दूर नहीं जब हिंदुस्तान इंडोनेशिया बन जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने भारत के कई राज्यों में हिंदू धर्म को लेकर आशंका जताई। आज से 25 साल पहले 2 करोड़ थे, फिर हुए 9 करोड़ और अब हो गए हैं 38 करोड़। वो दिन दूर नहीं है कि हिंदुस्तान इंडोनेशिया ना बन जाए। आधा बंगाल, असम में 5 लाख जिनके पास कोई पासपोर्ट वीजा कुछ भी नहीं है और वहां हो रहे हैं 8-8, 10-10 और हमारी माताएं फिगर मेंटेन करने में लगी हैं। मैं तो एक बात कहता हूं, देखो हमारे पास जाना जगह तो नहीं है, पर अगर 2 का टारगेट हो, अगर कोई 3 कर रही है तो हमको दे दो, प्रेम से कहो श्री राधे, हम पाल पोस के बड़ा कर देंगे। वैसे भी समय समय पर जनसंख्या नियंत्रण पर विवादास्पद बयान आते रहे हैं। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए भारत और जनसंख्या नियंत्रण से जुड़ी कुछ जानकारियां देते हैं। मोदी सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण पर समिति गठित की है। अंतरिम बजट में जनसंख्या नियंत्रण पर समिति गठित कर इसे देश में सार्वजनिक बहस का मुद्दा बनाने की पहल हुई है। मौजूदा समय में देश की आबादी 140 करोड़ से ज्यादा है। आबादी के लिहाज से भारत दुनिया में नंबर 1 पर पहुंच चुका है। भारत 2023 में आबादी के मामले में चीन को पछाड़कर नंबर 1 बना। प्रधानमंत्री मोदी ने भी 15 अगस्त 2019 को लाल किले से बढ़ती जनसंख्या पर चिंता जताई थी। इस दौरान उन्होंने क्या कहा था वो भी सुनिए। हमारे यहाँ जो बेतहाशा जनसंख्या विस्फोट हो रहा है, जनसंख्या विस्फोट हमारी आने वाली पीढ़ियों के लिए अनेक संकट पैदा कर सकता है। बच्चे के जन्म से पहले उसकी जरूरत के बारे में जरूर सोचें। शिक्षित वर्ग ऐसा ही करता है। ये बात भी माननी होगी कि देश में एक जागरूक वर्ग भी है जो इस बात को अच्छे से समझता है। ये वर्ग इससे होने वाली समस्याओं को समझते हुए अपने परिवार को सीमित रखता है। घर में बच्चे के आने से पहले सबको सोचना चाहिए कि क्या हम उसके लिए तैयार हैं। इधर संतों ने भी महामंडलेश्वर स्वामी प्रेमानंद महाराज के बयान पर अपनी प्रतिक्रिया दी। जनसंख्या पर संतों की मिली जुली राय। यहाँ सरकार कह रही है कि नहीं परिवार नियोजन हो, केवल 2 से अधिक न हो, तो ये बात सरकार की बात है और उनके कथावाचक में और ये अपना कथा बाजते हैं तो जो कुछ होता है कहते रहते हैं। ये उन्होंने कहा कि हिंदू जो है अल्पसंख्यक न हो, हिंदुओं को अपने हिंदुस्तान में ही अल्पसंख्यक होने से बचाने के लिए उन्होंने कहा है, क्योंकि हिंदू तो इतना अनुशासन में रहता है, इतना उदारवादी और इतना जिम्मेदार है कि वह
भविष्य को देखते हुए अपने आप जनसंख्या नियंत्रण कर लिया, एक बच्चे दो बच्चे से ज़्यादा पैदा नहीं करता है। वहीं दूसरी तरफ मुस्लिम समाज के लोग हिंदू से 10 गुना ज़्यादा आबादी बढ़ा रहे हैं। भारत में बहुत ही चिंता का विषय है, हमारे सनातनी संस्कृति वाले हिंदू ही अल्पसंख्यक हो जाएंगे। मुस्लिम इस्लामिक देश बनाने पर भारत को तुला है, हिंदुओं को सोचना चाहिए। हालांकि ये पहली बार नहीं है जब ज्यादा बच्चा पैदा करने को लेकर किसी ने ऐसा बयान दिया है। पहले भी कई बार इस तरह की बयानबाजी होती रही है, जिस पर खूब सियासत भी हुई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। हमारे साथ हमारे सहयोगी शैलेंद्र चौहान भोपाल से लाइव जुड़े हुए हैं, अजय पटवा उज्जैन से लाइव जुड़े हुए हैं। सीधे उन्हीं के पास चलते हैं और सबसे पहले शैलेंद्र से बात करते हैं। शैलेंद्र, ये बयान आया, हालांकि ये पहली बार बयान नहीं दिया गया है ऐसा बयान, इससे पहले भी साधु संत देते रहे हैं, खासतौर पर प्रदीप मिश्रा की बात की जाए तो उन्होंने भी इसी प्रकार का बयान दिया था कि कैसे 4 बच्चे होना चाहिए, लड़के होना चाहिए, कहाँ 2 कहाँ देना चाहिए, 2 आपको अपने पास रखना चाहिए, ये बयान है। लेकिन दूसरी तरफ जनसंख्या लगातार बढ़ती जा रही है और दुनिया में भारत सबसे पहले नंबर पर है। शैलेंद्र, आप सुन पा रहे हैं? शैलेंद्र को आवाज ही शायद नहीं बोल जी। बात की जाए जनसंख्या को लेकर तो निश्चित ही नियंत्रण को लेकर सवाल खड़े होते हैं। अगर बात की जाए कि साधु संतों के बयान की, तो ना केवल पंडित प्रदीप मिश्रा हो, इसी के अलावा बात की जाए देवकी नंदन महाराज हो और अब प्रेमानंद महाराज, कहीं ना कहीं साधु संतों के इस तरह के बयान या कथाओं में इस तरह की बात सामने आती रहती है कि ज्यादा बच्चे पैदा करना चाहिए। हालांकि बीजेपी की अगर बात की जाए तो बीजेपी ने इस मामले में अपना बात स्पष्ट की है कि ये किसी भी साधु संत के निजी विचार हो सकते हैं और वो देश के हित में या समाज के हित में जो भी बात कहे वो अपनी बात उन्होंने निजी तौर पर रखी है, तो बीजेपी इससे किनारा करती दिखती है। वही कांग्रेस की बात की जाए तो कांग्रेस सवाल उठाती है कि भाजपा को अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए कि क्या हिंदुओं को कितने बच्चे पैदा करना चाहिए, और ये साधु संत अगर इस तरह के बयान दे रहे हैं तो वो क्या भाजपा इससे इत्तेफाक रखती है या सहमत है। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं जनसंख्या नियंत्रण को लेकर सवाल भी खड़े होते हैं, ज्यादा बच्चे पैदा करने को सवाल खड़े होते हैं, और ये भी सवाल खड़े होते हैं कि मुस्लिम जनसंख्या तेजी से बढ़ रही है, तो ये सारे सवाल अपनी जगह है। और इसके मामले में जनसंख्या नियंत्रण पर कानून जो आने वाला है या किस तरह बनाया जाना है उस पर एक अलग बहस का विषय है, उसको लेकर अलग चर्चा है। तो आगे अब क्या होगा किस तरह ये कहना अभी मुश्किल है, लेकिन ये साधु संतों के बयान कहीं ना कहीं हमेशा इस तरह के आते रहे हैं। बिल्कुल, इसके पहले भी बयान आते रहे हैं, इस बार भी ये बयान आया है। अजय पटवा उज्जैन से हमारे सहयोगी भी जुड़े हुए हैं। अजय, ये उज्जैन में ही बयान दिया गया और यहाँ पर भरी सभा में, या यूं कहें कि जिस व्यासपीठ पर वो बैठे हुए थे वहाँ बहुत सारे श्रोतागण थे, खासतौर पर महिलाओं को वो ये बात कहते हुए नजर आए। क्या प्रतिक्रिया इसके बाद लोगों की नजर आई इस बयान के बाद? जी देखिए, उज्जैन में जो है प्रेमानंद जी महाराज की कथा चल रही है बंडागर रोड पर, उसमें बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हो रही हैं। ऐसे में महाराज जी ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि जिस तरीके से अल्पसंख्यक की संख्या बढ़ रही है उसको देखते हुए हिंदू समाज में भी अब जो है 4 बच्चे पैदा करना चाहिए, 2 आप पालें 2 हमें दें, नहीं तो आने वाले समय में भारत जो है इंडोनेशिया बन जाएगा। यदि आप भारत को भारत बनाना चाहते हैं तो 4-4 बच्चे पैदा करें। अब इसको लेकर जो है अलग अलग तरीके से राजनीति हो रही है, वहीं कांग्रेस इस पर जो है टीका टिप्पणी कर रही है, तो वहीं जो है बीजेपी ने इस पर पल्ला झाड़ लिया है। तो ऐसे में अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पर सियासत कितनी गरमाती है, क्योंकि जिस तरीके से जो बयानबाजी हो रही है, एक तरफ केंद्र सरकार भी जनसंख्या नियंत्रण कानून को लेकर जो है तैयारियों में जुटी हुई है, तो आने वाले समय में स्वाभाविक है कि जनसंख्या को लेकर एक कानून बनेगा, तो जिसको लेकर जो भारत की जो बढ़ती आबादी है उस पर रोक लगाने के लिए चिंता जाहिर भी प्रधानमंत्री ने की थी। तो अब देखना ये होगा कि आने वाले समय में इस पर क्या होता है, और महाराज जी ने जो बयान दिया है इसको लेकर अब जो लोगों की प्रतिक्रिया है कैसे धीरे धीरे सामने आती है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस खबर पर जानकारी देने के लिए। राजनीति तो इस पर शुरू हो ही चुकी है, क्योंकि कांग्रेस कह रही है कि स्टैंड क्लियर करना चाहिए, वहीं बीजेपी कह रही है कि महात्माओं की अपनी बातें हैं और वो किस परिप्रेक्ष्य में कह रहे हैं इस पर कोई क्या ही टिप्पणी कर सकता। बहुत शुक्रिया आपका।
पढ़ते हैं आगे। फिल्म जगत से जुड़े लोगों ने भी न्यूज 18 के प्रोजेक्ट वन ट्री का समर्थन किया है। फिल्म अभिनेता रितेश देशमुख, अभिनेत्री ईशा मालवीय और नेहा धूपिया ने इस मुहिम को समर्थन करते हुए लोगों से ज्यादा पौधे लगाने की अपील की है। आई एम रितेश देशमुख, आई स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ नेटवर्क 18's प्रोजेक्ट वन ट्री। आई कंप्लीटली स्टैंड विद नेटवर्क 18's प्रोजेक्ट वन ट्री। आई स्टैंड इन सपोर्ट ऑफ नेटवर्क 18's प्रोजेक्ट वन ट्री। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।